स्वागत है एक और नए दिन एक और नए व्लॉग में। कल इंडिया ने तो न्यूजीलैंड को धूल चटा दी, आज देखते हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में से कौन जाता है फाइनल में। वैसे साउथ अफ्रीका जाएगी तो भी अच्छा, आज तक कभी उन्होंने फाइनल खेला नहीं। ऑस्ट्रेलिया जाएगी तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी और बदला लेने का मौका मिल जाएगा, जो इतनी बार फाइनल में हराया ऑस्ट्रेलिया ने। लेट्स सी कौन जाता है, देखते हैं आज का मैच कैसा होता है। वाला भूत पता नहीं यहाँ पे लाके क्यों रख दिया, जो ट्रैफिक वाला यहाँ पे पुलिस तो नहीं खड़ने वाली। हिसाब से मार्वल सिनेमैटिक चल रहा है ना, एक मूवी अलग से लगेगी पूरा सिनेमैटिक समझाने के लिए। अब स्पाइडरमैन वाले मूवी के एक सीन से एक पूरी नई सीरीज आ रही है मैडम वेब करके, क्या है वो क्या नहीं है पता चलेगा। पर बहुत मतलब अजीबोगरीब थ्रेड्स और इधर उधर चीज़ें निकल रही हैं, तो लेट्स सी कहाँ जाता है, बट कन्फ्यूजिंग होता जाएगा। तो अभी लोकी का एंड कई लोगों को समझ नहीं आया, मुझे भी क्लियर नहीं है। मतलब जो इतनी सारी थ्रेड्स निकल रही है ना, समझ नहीं कैसे हैं, अपने आप में एक चैलेंज होने वाला है मार्वल के साथ। सब का ना एक पैटर्न रहा है, एक लौती टीम जो टारगेट अच्छे से चेज़ कर पाई है ना, वो इंडिया और इंडिया को भी चेज में प्रॉब्लम आई थी। तो चेजिंग में मैक्सिमम टीम हार रही हैं और साउथ अफ्रीका टॉस जीत गया, तो 50% मैच तो उनके अंदर आ ही चुका है। अब लेट्स सी के फाइनल रिजल्ट क्या होता है। मैं साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा हूँ, आप बताओ कमेंट में आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, किसको देखना चाहते हो फाइनल में इंडिया के साथ। बस अभी प्रेशर हैंडल नहीं होता, मैंने देखा फिर सेमीफाइनल में आगे टट्टी कर दी, इतना अच्छा टॉस जीत गए थे, मैच हाथ में था 44-4। चलो अभी ख़त्म नहीं हुआ, देखते हैं क्या बनता है। तो गिरते मरते डहते 212 रन तो बना ही गए साउथ अफ्रीका, देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी अगर सेम काम करेगी शायद डिफेंड हो जाए, बट डिफेंडेबल है, मैं ये बोलूँगा कि डिफेंड हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट लेट्स सी क्या बनता है, फिंगर्स क्रॉस्ड। ऑलमोस्ट नवंबर का मिड आ चुका है, 16 तारीख हो गई आज, अभी तक प्रॉपर ठंड नहीं आई है, मतलब रजाइयों वाली ठंड में लगता है दिसंबर में आएगी मेरे बर्थडे के आसपास। ठंड का साइकिल थोड़ा चेंज हो गया, अब दिसंबर से लेकर फेब तक आती है, आगे अक्टूबर से शुरू होती थी फेब तक चलती थी। तो ग्लोबल वार्मिंग का असर है और पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रखा है दिल्ली में, तो बुरा ही हाल है, सांस नहीं ले सकते। यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा बेटर है, बट है फिर भी पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल बर्दाश्त होना बंद होता जा रहा है, बिग बॉस सिर दुखने लग जाता है मेरा बिग बॉस देखते देखते, इसलिए अपन बिग बॉस कर रहे हैं बंद। अपना कुछ काम वाम करते हैं एडिटिंग वेडिटिंग का, एक वीडियो भी बनाने की मेरे दिमाग में है तो सही, नेक्स्ट ही बनाता हूँ कि नहीं बनाता हूँ नॉट श्योर। चलो काम करते हैं, देखते हैं क्या करना है। इतना अच्छा मौका मिला था साउथ अफ्रीका को, टॉस भी जीत गए थे पहले, बैटिंग भी आ गई थी, पर फिर भी पता नहीं क्यों हर बार चौक कर जाते हैं इस लेवल पे आके। चलो एनीवेज, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक ऐतिहासिक फाइनल होने वाला है, 2003 का बदला लेंगे। आई होप इंडिया जीत जाए, इंडिया भी चौक ना कर जाए। फाइनली मतलब वीडियो बन गई है, रिएक्शन वीडियो एक पेंडिंग है, करण औजला का नया गाना है, उसको सुबह रिएक्ट करेंगे, अभी व्लॉग बनाएंगे और सो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, टाटा बाय बाय। व्लॉग अच्छे लग रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं भी अच्छे लग रहे तो कमेंट में बता दो क्या अच्छा नहीं लग रहा कमेंट, वैसे तुम करते नहीं हो बट इट्स ओके, मुझे मज़ा आ रहा है जो कि एक अच्छी बात है। तो गुड नाइट, टाटा बाय बाय।